जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कैप्टन जयप्रीत जोशी, यू कैन आल्सो कॉल मी जो। तो आज का जो वीडियो है ये इस बारे में है कि मार्शल आर्ट, मार्केटिंग आर्ट कैसे बनता जा रहा है। मैं तकरीबन रोज ऐसे वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की टेक्निक को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं, एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि कौन सा मार्शल आर्ट बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। बहुत सारी कमेंट्स डाली जा रही हैं जो कि हेट कमेंट्स हैं, जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, डिजायरेबल नहीं है, कम से कम मार्शल आर्ट फ्रटर्निटी या कम्युनिटी के अंदर है। कौन सा मार्शल आर्ट अच्छा है, कौन सा इंस्ट्रक्टर खराब है, कौन सा इंस्ट्रक्टर खराब अच्छा है, कौन सी चीज़ें काम करती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं काम करती, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। मेरे पास ये स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर का मतलब पेंचकस। अगर मुझे कुछ चीज़, कोई नट, कोई पेंच खोलना है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेंचकस। उस पेंच को खोलने के लिए मैं प्लास का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। उस पेंच को खोलने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर ही चाहिए, और इन दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन या अपनी अपनी यूटिलिटी है। लेकिन अगर मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं सारे टूल्स कैरी कर सकूँ, तो मैं एक मल्टी टूल कैरी करता हूँ, यानी कि ऐसा टूल जिसके अंदर प्लायर भी है, यानी कि प्लास भी है, जिससे मैं प्लास का काम कर सकूं, और उसके साथ ही उसके अंदर फाइल, स्क्रू ड्राइवर्स और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको मैं उसमें यूज़ कर सकता हूँ, इस तरह बॉटल ओपनर, नाइफ, बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का अर्थ ये है कि कौन सा टूल कब काम आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे को सभी टूल्स में इक्विप होना हमारे एक सेंसेबल सी बात है, लॉजिकल है कि अगर हमारे पास सारे टूल्स हों बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे टूल्स नहीं हों तो कम से कम कुछ ऐसी टूल्स हों जो हमारे को उस सिचुएशन से निकाल सकें। सेम चीज़ मार्शल आर्ट के अंदर अप्लाई होती है। हज़ारों किस्म के मार्शल आर्ट्स हैं, कराते, जूडो, ताइक्वांडो, काली, क्राव मगा, बॉक्सिंग, रेसलिंग, हज़ारों किस्म के मार्शल आर्ट्स हैं। हम हज़ारों किस्म के मार्शल आर्ट शायद इस पूरी लाइफ में तो सीख नहीं सकते, लेकिन जो मार्शल आर्ट हम ढंग से कर सकते हैं या जिसको सीखने का हमारे पास कैपेबिलिटी है और रिसोर्स है, यानी कि वो उपलब्ध है, हमें उसको सीखना चाहिए। हमारे को उन सब मार्शल आर्ट्स के अंदर जो बेस्ट या जो एसेंशियल या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पिक करना चाहिए और हालात के हिसाब से देखना चाहिए कि क्या काम करेंगे। अब मान लीजिए मेरे को सड़क पर किसी ने अटैक कर दिया, ठीक है, सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं, बारिश हो रही है, कीचड़ है, रोड़ी है, हो सकता है शराब की बोतल या कांच के टुकड़े पड़े हैं। अब मैं वहाँ पर उसको ग्रैपलिंग करूँगा तो कांच तो मेरे भी घुसेगा और मेरे भी चोट लगेगी। तो मेरे लिए ये बेटर है कि क्या मैं कर सकूँ कि मैं खड़े होकर उस फाइट को ख़त्म कर सकूँ, या तो स्टैंड अप ग्रैपलिंग के जरिए या फिर स्टैंड अप स्ट्राइकिंग आर्ट के जरिए। अगर एक और सिचुएशन आती है जहां पर अभी जैसे ये मार्शल आर्टिस्ट आपस में बात कर रहे हैं कि मैं उसको फाइट के लिए चैलेंज करता हूं, हर मार्शल आर्टिस्ट या हर इंस्ट्रक्टर अलग चीज सिखा रहा है। मैं एक रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर हूं, आर्मी को, मिलिट्री को ट्रेनिंग देता हूं, मेरी जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है वो रियलिटी पे बेस्ड है। मैं आर्मी से आता हूँ, क्राव मगा, कपाप, कुछ हद तक काली, कराते, बॉक्सिंग, ग्रैपलिंग, ये मेरा बैकग्राउंड है, कुछ स्टिक फाइटिंग जो मैंने सीखी है और नाइफ फाइटिंग, जिम वैगनर के साथ मैंने ट्रेन किया, अमित हाइनस्टाइन के साथ ट्रेन किया इसराइल के अंदर, और वहाँ से जो मैं ट्रेनिंग लेकर आता हूँ वो मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट करके, रिसर्च करके पास करता हूँ। ऐसे नहीं कि जो मैंने सीखा दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए वो बोलता है कि मेरे से फाइट करो, ओके, फाइट किया और इमीडिएटली वो एक नाइफ ड्रॉ कर लेता है, ये करामबित है, करामबित नाइफ को अगर वो ड्रॉ कर लेता है दूसरा फाइटर, फाइट खत्म, क्योंकि अनआर्म्ड वर्सेस वेपन इज नॉट इजी। और एक कहावत है कि नाइफ विल ऑलवेज कट, ये जो नाइफ है जब ये आपके हाथ में आता है तो ये कहीं ना कहीं अपने आपके ओपोनेंट को कहीं ना कहीं तो जरूर नुकसान पहुंचाएगा उसके खाली हाथ से। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, आपके हो सकता है आपके पास वेपन ना हो, उसके पास वेपन हो, तो वहां से निकल जाना ही बहुत अच्छी टेक्निक है।
अगर उसके पास वेपन है, आपके पास वेपन नहीं है, आप किसी वेपन को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, जैसे बेल्ट या शर्ट या कोई उसको फ्लेक्सिबल वेपन बना सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। तो ये कहना कि ये मार्शल आर्ट अच्छा है या ये खराब है, या ये टेक्निक अच्छी है और ये टेक्निक खराब है, तो मेरे ख्याल से जब तक आप उसको समझ ना लें, उसको यूज ना कर लें और आप उसको कर ना पाए, तब तक उसके बारे में कमेंट करना आई रियली डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, ये अच्छी बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए पहले उसको अपनाएं, पहले उसके बारे में जानें, घुसें और समझें, और फिर उसके बारे में आप डिटेल में बताएं। तो मैं किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना ही मुझे किसी ने किया, मेरे अभी तक तो मेरे कोई ट्रोलिंग ऐसी हुई नहीं है, ना ही मेरे को किसी ने कहा। अगर कहेगा भी तो मैं उसको, अगर हो सका तो मैं जवाब दूंगा, अगर मुझे लगा कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है तो शायद मैं जवाब ना भी दूं, लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और जो मैं करता हूं। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूरी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वो चीज़ ना मार्केट करें जिसके लायक हम नहीं हैं, वो चीज़ हम ना करें जो हम नहीं कर सकते। अब कई लोग बताते हैं कि पिस्टल डिफेंस या फायर आर्म डिफेंस ये किया, आप वहाँ से निकल गए, मैंने भी खराब मंगा किया, उसके अंदर भी बहुत सारे गन डिफेंस टेक्निक है, लेकिन मैं सिर्फ वही टेक्निक यूज करता हूँ जो मुझे पता है कि रियल लाइफ में काम कर पाएगी। मैंने हजारों एमिनेशन फायर किया, हजारों गोलियां फायर करी है, जो 10 20 50 गोली कभी या 100 गोली राउंड फायर करने के बाद वो टेक्निक बताने की कोशिश करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेक्निक गलत बता रहा है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे इंसान से जिसने वही चीज हजारों बार करी है शायद बेटर होगी। सिमिलरली एक, मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं हूँ लेकिन बॉक्सिंग जानता हूँ, एक प्रोफेशनल बॉक्सर किस प्रकार से अपने पंचेस को यूज करता है, शायद वो मेरे से बेटर कर सकता हो। कराते के पंच में पावर कैसे आती है शॉर्ट डिस्टेंस में, शायद मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने कई साल तक कराते शितोरी स्टाइल सीखा है और प्रैक्टिस किया, अभी भी करता हूँ। तो हर किसी की काबिलियत उसके रिस्पेक्टिव आर्ट में, उसके स्टाइल में होती है, और टाइम के साथ साथ सारे स्टाइल्स जो हैं वो, जितने स्टाइल एक प्रैक्टिशनर सीखता है वो कंबाइन हो जाते हैं और एक यूनिक स्टाइल बनता है। मार्केटिंग अगर अच्छी है तो आप उसको नाम भी दे सकते हैं, अगर आप नहीं नाम दे सकते तो सिर्फ आप ये समझें कि अंग्रेजी में कहावत है कि फाइटिंग इज़ नो रॉकेट साइंस, कोई भी लड़ सकता है, एनीबडी कैन फाइट, बट मार्शल आर्ट आपको सिर्फ एफिशिएंटली फाइट करना सिखाते हैं। अब वो एफिशिएंसी किस हालात में, किस सिचुएशन में, कितने लोगों का अगेंस्ट यूज होगी, वो आप पर निर्भर करता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये एक दूसरे पर छींटा कशी का जो है इसको बंद करें, अपना काम करें, अच्छे से करें, और जिस चीज के आप लायक हैं और काबिल हैं उसी को प्रोपोगेट करें। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बी अ हार्ड टारगेट एंड प्रैक्टिस हार्ड। थैंक यू, जय हिंद।